नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं अविनाश। बेगूसराय गोलीकांड मामले के 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बाइक पर सवार होकर सनकी बदमाशों ने अलग अलग इलाकों में राह चलते लोगों को गोली मारी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ नीतीश सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं इस घटना में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि कुछ सीसीटीवी फोटो में से जिले के कई मुख्य क्रिमिनल को संदिग्ध मानकर तलाश कर रही है। वहीं पटना से फॉरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंची है। टीम वारदात की पहली जगह बछवाड़ा प्रखंड के गोधना में जांच कर रही है। जांच करने के दौरान घटनास्थल के पास से फॉरेंसिक टीम को एक गोली का खोखा मिला है। बता दें, पुलिस जिन मुख्य क्रिमिनल पर संदेह के आधार पर जांच कर रही है, उनमें से एक नाम कुख्यात अपराधी रामलोचन राय उर्फ लुस्की सिंह का भी है। बताया जाता है कि लुस्की हाल ही में जेल से हत्याकांड में सजा काटकर बाहर निकला है। बीते 2 सितंबर की रात तेघरा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव में लुस्की ने सरपंच के घर पर हथियार बंद करीब दर्जन भर साथियों के साथ ट्रैक्टर लूट के दौरान सरपंच के एक पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं दूसरे पुत्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इतना ही नहीं, सरपंच पति की बेरहमी से पिटाई कर उसका हाथ तक तोड़ दिया था। अब सीरियल शूटिंग के मामले में भी पुलिस टेक्निकल और मैनुअल जांच में कुख्यात लुस्की की भूमिका संदिग्ध मान रही है। पूर्व से हत्याकांड में फरार चल रहे लुस्की की गिरफ्तारी NH पर हुए सीरियल शूटिंग मामले का खुलासा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु साबित हो सकता है। मतलब साफ है कि पुलिस अब भी कयासों में गोते लगा रही है, और लगाए भी क्यों ना। जब एक अपराधी जिले के सड़कों पर लोगों को गोलियां मार रहा था तो पुलिस प्रशासन सोई हुई थी। ना जिले के पुलिस कप्तान को इसकी भनक लगी, ना जिलाधिकारी को। यही नहीं, खबर मिली भी तो बेगूसराय की सुस्त पुलिस पकड़ नहीं पाई। जाहिर है, ऐसे पुलिस वालों के भरोसे बिहार की जनता चैन से सोती है, लेकिन जब पुलिस वाले ही सो जाए तो उनकी रक्षा कौन करेगा। ऊपर से नेताओं के बयान ऐसे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ CM नीतीश भरोसा दिलाते हैं कि जो भी आरोपी है उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। और जो विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर पहले से हमलावर थी, उन्हें सरकार की फजीहत करने का एक और मौका मिल जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में किसी साजिश की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय में किसी ने जानबूझकर यह किया है, ये किसी की साजिश लग रही है, क्योंकि जहां पर घटना हुई वहां एक तरफ पिछड़ी जाति के लोग थे तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक समाज की आबादी। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक चीज पर नजर रखे। इस बयान के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। कभी CM नीतीश के सबसे करीबी साथी रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री घटना को विपक्ष की साजिश बता रहे हैं, यह बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही थी, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री को घटना को जातीय और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। वहीं BJP के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने तो CM नीतीश पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में फायरिंग CM नीतीश ने कराई है। वैसे इससे पहले भी गिरिराज सिंह कई बार ये कह चुके हैं कि गोलीकांड का अपराधी किसी सरकारी ऑफिस में छिपकर बैठा हो, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कह दिया कि बेगूसराय में फायरिंग CM नीतीश ने कराई है। उन्होंने दरअसल ये ट्वीट कर कहा है। ट्वीट करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लगता है कि नीतीश कुमार ही फायरिंग करवाने वाले हैं। गौरतलब है कि CM नीतीश का ये बयान उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। BJP नेताओं ने उन्हें घेरे में लेना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये गोलीकांड की घटना राजनीतिक रंग में रंगकर बिहार की सियासत को लाल करती है, या इस घटना को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।